वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस बताया था। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि मास ऑफ अ सब्सटेंस इज डिपॉजिट एट अ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। मीन्स कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट में से पास करते हैं तो उसका जो मास है कुछ सब्सटेंस का वो कैथोड और एनोड पे डिपॉजिट होता है। जैसे आपने डिफरेंट इलेक्ट्रोलिसिस भी करी थी जो मैंने आपको असाइनमेंट में सेंड करी थी। तो जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, वो रिलेशनशिप बताता है कि कितना मास सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर जब हम क्या पास करेंगे, कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ये किसने दिया था बेटा, ये माइकल फैराडे ने दिया था। कब दिया था, 1833 ने दिया था। और जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है बेटा वो दो हैं, जिसको हम फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ बोलते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ क्यों बोलते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो इसके दो लॉ थे, पहले हम फर्स्ट लॉ करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फैराडे फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हैज द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। क्या मतलब हुआ बेटा कि आपने देखो, मैंने इलेक्ट्रोलिसिस का आपको फिनोमिना मैकेनिज्म बताया था। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें हम कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट में हम उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे उतना ही जो मास है उस सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा एट द इलेक्ट्रोड। देखो बेटा क्या कह रहे हैं वो, कि जो मास ऑफ एनी सब्सटेंस वेदर एट द कैथोड और द एनोड डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड वेदर फ्रॉम द कैथोड और एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। कि हम जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में से वो उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो मैथमेटिकल फॉर्म देखो फैराडे फर्स्ट लॉ की, अगर हम मास को W मान लेते हैं, हम कहते हैं W क्या है, मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड। अब क्यू, क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन इट। अब अकॉर्डिंग टू क्या है बेटा, इतना नोट डाउन करो, मैं आगे बता रही हूं बेटा। अभी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो बेटा, हमने सपोज करा कि लेट W क्या है हमारे पास, मास, और क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन इट। अब हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे के फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या कहते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इट। तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के बेटा यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा देते हैं जेड। तो यहाँ पर जेड क्या है, Z को हम क्या बोलेंगे बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर है बेटा इतना। अब हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, W इज इक्वल टू जेड क्यू। अब जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, कि हम कितने टाइम में कितने करंट को पास कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि इफ आई करंट इज पास्ड इन टी सेकेंड, तो हमारे पास क्यू जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाय टी। आई क्या है, करंट, करंट का यूनिट क्या होता है बेटा, एम्पियर, और टाइम किस में लिया हमने, सेकंड में। इसको इक्वेशन वन दे दो, इसको इक्वेशन टू दे दो, तो क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन वन।
तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू जेड क्यू की जगह क्या आ गया बेटा, आई मल्टीप्लाई बाय टी। अब अगर हम कहते हैं कि इफ जो I था हम 1 एम्पियर करंट पास करते हैं इन अ 1 सेकेंड, तो हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ I एंड T इन, इसको इक्वेशन 3 दे दो, इन इक्वेशन 3। तो W क्या हो जाएगा Z, I की जगह क्या आ गया बेटा 1 एम्पियर और T की जगह क्या आ गया हमारे पास 1 सेकेंड। तो W किसके इक्वल हो गया Z के। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अ करंट इज अ 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड, या फिर क्या कह सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ द करंट पास इज अ 1 कॉलम। इतना नोट डाउन करो बेटा, देखो बेटा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज मे बी डिफाइंड एज द मास, डब्ल्यू क्या था मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिट व्हेन अ करंट ऑफ, करंट को हमने क्या माना था 1 एम्पियर इज पास्ड इन 1 सेकंड, या फिर आई मल्टीप्लाई बाय टी, या फिर हमने कहा था डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्यू था, क्यू किसके इक्वल था बेटा आई मल्टीप्लाई बाय टी, या फिर आई मल्टीप्लाई टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 कूलम। तो यहां से आप किसकी डेफिनेशन निकाल लोगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। अब नेक्स्ट देखो बेटा आगे फैराडे सेकंड लॉ, देखो बेटा फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन अ सीरीज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, देखो बेटा इधर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि एक आपके पास AgNO3 का सॉल्यूशन है, एक आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो आपके पास क्या होगा बेटा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब ये कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, पॉजिटिव को नेगेटिव से, इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से, तो दोनों सॉल्यूशन कनेक्ट हो गए, किसमें कनेक्ट हुए सीरीज में। तो क्या कहता है कि जब मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड कि इन इलेक्ट्रोड्स पे कितना, कि इस कैथोड पे एजी का कितना मास डिपॉजिट होगा, इस इलेक्ट्रोड पे कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनके इक्विवेलेंट वेट के। तो क्या कहता है ये लॉ कि जो मास ऑफ एजी डिपॉजिट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, आपको पता है कि दोनों क्या आपके पास मेटल, तो दोनों किस पे होंगी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे होंगी, रिस्पेक्टिव कैथोड पे होंगी, ये यहां पर होगी ये यहां पे होगी, वो किसके इक्वल है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी, और वो किस, ये वाला किसके इक्वल है बेटा इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। बट कंडीशन क्या है कि वो जो दोनों सॉल्यूशन है, वो जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, वो किसमें कनेक्ट होने चाहिए सीरीज में, तभी जो उनका मास है वो किसके इक्वल होगा, उनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। इतना नोट डाउन करो बेटा, फिर आगे करते हैं। देखो बेटा आगे, अगर हमने चार्ज कैलकुलेट करना बेटा, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कॉलम, आपको पता है कि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर मैं कहती हूँ कि 10 मॉलिक्यूल के ऊपर निकालो, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मैं कहती हूँ 20 के ऊपर निकालो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो 20 का कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 20। ऐसे हमने 1 मोल का निकालना है, आपको पता है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, तो हम इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 6.022 × 10⁻²³ इनवर्स। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा 96487 कॉलम मोल इनवर्स। तो जिसको न्यूमेरिकल्स को सिंपलीफाई करने के लिए जो फैराडे था, माइकल फैराडे, जो 1833 में अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था,
उसने इस वैल्यू को 96500 कूलम वन मोल ले लिया था और इस वैल्यू को उसने क्या बोल दिया था, वन फैराडे। तो हम कह सकते हैं कि वन फैराडे किसके इक्वल हुआ, 96500 कॉलम पर मोल, जो क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी। ये बेटा ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपने याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल में आपको हेल्पफुल करेगी। अब देखो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आप उसको उतने फैराडे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका उतना क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। अगर मैं वन मोल ऑफ कॉपर की बात करूं बेटा, आपको पता है कॉपर की क्या रिडक्शन होगी, मेटल है Cu2 पॉजिटिव बाय टेकिंग टू इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इनटू Cu, तो वन मोल ऑफ कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा बेटा, टू इलेक्ट्रॉन दे रहा। ऐसे ही अगर मैं वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम क्या मेटल, इसकी भी क्या होगी बेटा, रिडक्शन। तो वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम किसके इक्वल होएगा, थ्री इलेक्ट्रॉन के। ये आपको क्लियर बेटा, इसके जो न्यूमेरिकल है उसके न्यूमेरिकल हम कल करेंगे, आप इतना नोट डाउन करो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है बेटा वो पूछ सकता है। थैंक यू।